नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा, देश में पर्याप्त हथियार और गोला बारूद है, रक्षा तैयारियों को लेकर किसी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए। नोटबंदी का हुआ नकारात्मक असर, रिजर्व बैंक से केंद्र सरकार को मिलने वाला लाभांश आधे से भी कम देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से फिर अपील, स्वतंत्रता दिवस संबोधन के लिए सुझाव भेजे, इस बार छोटा रहेगा मोदी का भाषण। पूर्व केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू बने देश के 13 में उपराष्ट्रपति, दक्षिण भारतीय वेंकैया ने ली हिंदी भाषा में शपथ। हत्या के मामले में गुजरात के भाजपा विधायक जयराज सिंह जाडेजा को उम्र कैद की सजा। जोधपुर जिले में आगोलाई गांव के पास टैंकर और कार की टक्कर में 5 लोगों की मौत, इंदौर का रहने वाला था परिवार। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में वायुसेना का मानव रहित विमान दुर्घटनाग्रस्त। अहमदाबाद में साबरमती नदी से 2 महिलाओं सहित 4 लोगों के शव बरामद। जापान सागर पर टोक्यो का अधिकार नहीं, चीन की जापान को चेतावनी। इराक के पश्चिमी प्रांत अनवार में इस्लामिक स्टेट के 11 आतंकवादी मार गिराए। चीन ने कहा, दक्षिण चीनी समुद्र में अमेरिकी विध्वंसक जहाज के आने से उसके क्षेत्र की संप्रभुता का उल्लंघन हुआ है। चीन के उत्तर पश्चिम एक्सप्रेस वे सुरंग में यात्री बस दीवार से टकराई, बस में सवार 36 लोगों की मौत। यमन सागर में मानव तस्करों ने लगभग 150 शरणार्थियों को समुद्र में फेंका, 6 लोगों की मौत, 13 अभी लापता। ये थी आज की खास खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।